अस्सलामुअलैकुम खवातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। ये बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं और इन्होंने एक मुसलमान के साथ शादी कर ली, जिनका नाम है ज़हीर इकबाल। ज़हीर इकबाल के साथ शादी करने के बाद इनके अपने भाई ने और इनकी वालदा ने इनको इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि इंस्टाग्राम से अनफॉलो करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो शोबिज़ इंडस्ट्री है या फिर ये जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी ज़िंदगी में एक दूसरे को अनफॉलो करना, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मरना जीना मेरे साथ ख़त्म है। आपको पता है, सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुसलमान के साथ शादी की और शादी करने के बाद इनके वालिद ने, जब इनके वालिद से पूछा गया कि आपकी बेटी ने एक मुसलमान के साथ शादी कर ली है तो आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने आगे से पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो शादी करने से पहले आपसे मशवरा नहीं करते, इजाज़त नहीं मांगते, ना ही आपसे पूछते हैं, बल्कि आपको सिर्फ एंड टाइम पर बता देते हैं कि मैं फलां से शादी करने वाली हूँ या करने लगा हूँ। और उनकी जो मदर हैं, पूनम नाम है उनका, उन्होंने अपनी बेटी को अनफॉलो कर दिया और ये पूरी दुनिया जो है, जो सोशल मीडिया की दुनिया है, ये देख रहे होते हैं कि ये क्या, कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसको अनफॉलो कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जा रही होती हैं। और जब इनके भाई ने और इनकी वालदा ने इनको अनफॉलो किया, तो इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ अब मरना जीना ख़त्म कर दिया है, मतलब उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मुसलमान के साथ शादी कर लिया। और मुसलमान जो है ज़हीर इकबाल साहब, उनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत सारे मुसलमानों को शायद ये लग रहा हो कि हमने बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के साथ शादी कर ली है, लेकिन उनको ये बात शायद समझ नहीं आती जिस तरह से शाहरुख खान ने एक हिंदू लड़की के साथ शादी की। देखिए, हर इंसान का अपना धर्म है, उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन बतौर मुसलमान मैं ये समझता हूँ कि हमारे मज़हब में इस चीज़ की, हमारे धर्म में इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाती कि आप किसी गैर मज़हब के साथ शादी करें। अहले किताब के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन किसी और के साथ नहीं कर सकते। शाहरुख खान ने एक गैर मज़हब के साथ की, अब उसको ये समझ नहीं आती कि मैं अपने बच्चों को कुरान पढ़ाऊँ, दीन सिखाऊँ, मतलब अब वो सोशल मीडिया, अगर वो ऐसा फैसला कोई करता है तो उसको ये नज़र आ रहा होता है कि मेरी जो जायदाद है बॉलीवुड में, इंडिया में, और उसके बाद जो हिंदू मेरे फॉलोअर्स हैं। देखिए, मैं पहले ये बात आपको क्लियर कर रहा हूँ कि हर इंसान का अपना धर्म, अपना मज़हब है, लेकिन जब कोई मुसलमान किसी हिंदू से शादी कर लेता है तब उसके लिए जो प्रॉब्लम्स आती है, देखिए आगे जो बच्चे आते हैं, उन बच्चों को ये समझ नहीं आ रही होती कि मैं मंदिर जाऊँ या मस्जिद जाऊँ। माँ कहती है मंदिर जाओ, बाप कहता है मस्जिद जाओ। सैफ अली खान को देखिए, करीना कपूर के साथ शादी की। अब खैर, करीना कपूर के बारे में तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मुसलमान हो गई है, क्योंकि अब ये बहुत सारे ऐसे त्यौहार जो आते हैं ना, जो हिंदू मज़हब के त्यौहार हैं, वहाँ पर ये नज़र नहीं आती ज़्यादा। लोगों को यूँ लगता है कि करीना कपूर को अब बुरका पहन लेना चाहिए। खैर, अब अल्लाह जानता है, अल्लाह इस बारे में जानता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, वो ऐलान नहीं कर रही। बहरहाल, दूसरी तरफ आप देखिए आमिर खान को, तो आमिर खान ने पहली शादी की वो भी हिंदू लड़की से की, दूसरी की वो भी हिंदू लड़की से की। तो अब जो है एक सोनाक्षी सिन्हा जो है, सोनाक्षी, मेरा नाम गलत भी हो सकता है, सोनाक्षी सिन्हा बड़ी ज़बरदस्त उनकी पर्सनालिटी है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करती हैं, और इनके जो वालिद हैं बड़े ज़बरदस्त अपने दौर के माने हुए एक्टर रह चुके हैं, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, वो भी अपनी बेटी से कोई राजी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे से कौन सा इसने पूछा है, ये इजाज़त मांगी है। तो यहाँ पर बात असल में जो समझने की है ना, वो ये है कि जब भी आप किसी गैर मज़हब के साथ, किसी गैर धर्म के साथ शादी करते हैं ना, तो ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होते हैं, भाई एक सेलिब्रिटी के साथ शादी होगी मेरी, मेरी वाह होगी। असल प्रॉब्लम तब आती है जब आपके बच्चे बड़े होकर ये समझ नहीं पा रहे होते कि हम किस रास्ते पर चलें, हम इधर जाएँ उधर जाएँ या फिर मर जाएँ, किधर जाएँ। और आप ये मेरी बात को पॉजिटिव तरीके से समझें, सोचें कि देखिए मोहब्बत आपको हुई है और एक बच्चा जो दुनिया में आ रहा है उसको समझ ही नहीं आ रही कि माँ का धर्म ठीक है या बाप का धर्म ठीक है, किसका मज़हब ठीक है, किसके मज़हब की तरफ जाए। इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि ज़िंदगी में जब भी आपको कोई पसंद आ जाए ना, तो उसको अपने मज़हब की तरफ कर लें। अब जिसको जिस तरफ जाना है वो उसकी अपनी मर्जी, लेकिन ये बात समझ लें कि आप आने वाले बच्चों को कम से कम इस अज़ाब में ना डालें कि उसको समझ ही ना आए कि मैंने क्या करना है। और इसका जवाब दे वही होगा जो ये फैसला करेगा कि मुझे किसके साथ शादी करनी है। बारह, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हारिस रऊफ के बारे में। हारिस रऊफ का जो मामला है, हारिस रऊफ की जो सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखी, तो मेरे ज़राए के मुताबिक, ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये जो सच्ची पक्की बात है वो ये है कि एक फ़ैन था उनका वहाँ पर,
जो उनके साथ तस्वीर बनाना चाह रहा था। आप लोगों ने देखा, एक वीडियो देखी होगी जिसमें हारिस रऊफ बड़े गुस्से से जो है ना उसको मारने के लिए बाहर हैं, जूते भी उतारे, और उनकी जो वाइफ है वो उनके फेस पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींच रही है, कह रही है ना जाओ ना जाओ। और वो जो बंदा है वो कह रहा था मैंने तो सिर्फ तस्वीर बनाने का कहा था ये वो ना। और हारिस रऊफ आगे से कहते हैं कि क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही तरबियत दी है, यही तुम्हारी मतलब तरबियत की है? तो मेरे जो लोग हैं वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि वो जो बंदा था वो तस्वीर बनाना चाह रहा था, लेकिन जब हारिस रऊफ ने अपनी वाइफ के साथ होते हुए तस्वीर बनाने से इनकार किया तो उन्होंने कोई गलत बात की जिसकी वजह से उनको गुस्सा आया। और वो देखे पब्लिक फिगर, ठीक है, लोगों के चाहने से प्यार देने से आप स्टार बनते हैं, यूट्यूबर बनते हैं, एक्टर बनते हैं, लोगों के चाहने से बनते हैं, ठीक है, मान लिया। लेकिन यार पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होता कोई बंदा, आपके कहने पर उसने कह दिया तो आप तस्वीर बनवाएं बनवाएं। उनकी वाइफ थी साथ, वो नहीं बनाना चाह रहे थे। आप कहते ठीक है भाई, पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि यार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सेलिब्रिटी से तस्वीर बनाने के लिए ऐसे मर रहे होते हैं, लोग धक्के भी दे रहे होते हैं एक दूसरे को, क्या यार कोई बड़ी सेलिब्रिटी कुछ नहीं होता भाई, मेरे समेत अगर मुझे भी कहीं मिलते हैं ना आप तस्वीर नहीं बनाएंगे, क्या हो जाएगा, बनवा लेंगे तो क्या होगा, आपकी मोहब्बत है। लेकिन अगर कोई आपसे हारिस रऊफ जैसा प्लेयर नहीं बनवाना चाहता तो आपको किनारा कर लेना चाहिए था, आपको उनके साथ गलत बात नहीं करनी चाहिए थी कि हमारे दिए हुए पैसे, हमारे टैक्स, हमारा फला और तुम हमारे आगे नखरे कर रहे हो, ये बात बड़ी गलत है। और फिर जब जाहिर है कि एक बंदा ऑलरेडी हारा हो और उसको हर जगह से वैसी हेट मिल रहा हो तो फिर आप जब ऐसी बात करेंगे तो लड़ाई तो होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि जब एक बंदा प्लेयर है उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, आप पब्लिक में उसको उसकी वाइफ के साथ बदतमीजी करें, ये राइट है? अब ये फैसला आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने बताना है क्या ये ठीक है। और मुझे यूं लगता है कि कोई भी शख्स अपनी बेटी बीवी माँ के साथ बाहर होगा, चाहे वो यूट्यूबर हो, टिकटॉकर हो, बेहया हो, कुछ भी हो, जब आप उसके सामने, माँ बाप के सामने, बहन बीवी के सामने कोई भी गलत बात करेंगे तो वो खानदानी होगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। बहरहाल इस बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं इफ्तिहार ठाकुर के बारे में। इफ्तिहार ठाकुर जैसे लोगों का होना भी इस बात की गवाही है कि अभी भी गैरतमंद खानदानी और एहसान को मानने वाले लोग अभी बाकी हैं। इफ्तिहार ठाकुर ने एक प्रोग्राम में ऐसी बात कही अफताब इकबाल के बारे में, यकीन जाने दिल खुश हो गया और समझ आई कि वाकई कोई इंसान कामयाब होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। इफ्तिहार ठाकुर ने जुनेद सलीम के प्रोग्राम में आकर एक ऐसी बात बताई और उन्होंने पहले कहा कि उन्होंने कहा अपनी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया बताएं, कोई ऐसी बात जो आप करना चाह रहे हो, ऐसे ही कुछ उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा मैं कह तो दूंगा, मैं बता तो दूंगा, अगर उन्होंने कहा कि किसी ऐसे बंदे के बारे में बताएं जिसको आप अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानते हो, जिसका एहसान मानते हो, इस तरह की बात उन्होंने की। तो इफ्तिहार ठाकुर ने जुनेद सलीम को कहा कि मैं कह तो दूंगा, बता तो दूंगा, लेकिन आप लगाएंगे नहीं, आप काट देंगे। उन्होंने कहा नहीं मैं लगाऊंगा, थंबनेल भी बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि आफताब इकबाल मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स है जिसके एहसानात को मैं कभी नहीं भुला सकता। अब देखें एक तरफ बहुत सारे कॉमेडियन जो स्टेज पर काम करते थे जिनकी कभी दिहाड़ी लगती थी नहीं लगती थी, उन्होंने बहुत सारे फनकारों को टीवी पर लाया और वहां पर लाकर उनकी मंथलियां लगवाई, मतलब उनकी सैलरीज लगवाई। आज वो स्टेज के एक्टर जिनके पास नॉर्मल गाड़ियां हुआ करती थी, आज उनके पास फार्म हाउसेस भी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, प्राडो भी हैं, फॉर्च्यूनर भी हैं। इस तरह से उनकी जिंदगी में बदलाव आया और बदलाव लाने वाला कौन था? आफताब इकबाल। मैं ये मानता हूं आफताब इकबाल साहब ने बहुत सारे ऐसे स्टार्स जिनके समझ लें कैरियर ही खत्म हो चुके थे, क्योंकि स्टेज आए दिन पाबंदी लग जाती है, बंद हो जाता है वहाँ पर, वो जो मुजरे होते हैं जिस वजह से और जिस तरह की गंदी जुगतें होती हैं, कई बार लोगों ने उसको बंद करवाया। लेकिन आफताब इकबाल ने उन्हीं स्टार्स को उठाकर टीवी पर लाया, यहाँ पर बिठाकर लोगों की बेइज्जतियाँ करवाई, आम सादा अल्फाज में बता रहा हूँ, यहाँ बिठाकर लोगों की, बड़े बड़े लोगों की बेइज्जतियाँ करवाई और हंसाया, मजाक किया, सब कुछ। और यही लोग जो बैन हो जाते थे, जिनका काम नहीं होता था, वो करोड़पति बन गए। अब आफताब इकबाल के बारे में जो लोग छोड़कर जाते रहे उनकी बुराइयां करते रहे, बुराइयां करते रहे। लेकिन इफ्तिहार ठाकुर ने क्या बताया कि मैं उनके साथ काम कर रहा था, मेरी बेटी जो है वो घर में गिरी और बेड उसको आकर यहाँ पर या सोफा उसको लगा यहाँ पर हराम मगज की जगह पर, और वो बहुत ज्यादा शदीद जख्मी हो गई। वहां से जब मुझे कॉल आई, मैंने आफताब इकबाल साहब को बताया तो उन्होंने प्रोग्राम रोका
और मेरे साथ फौरन भागते हुए मतलब गाड़ी बगाई, घर से उसको लिया और सीधा हॉस्पिटल ले गए, और हॉस्पिटल ले जाकर वहां पर सबसे महंगे डॉक्टर को लाए और कहा कि कुछ भी करके इसको बचाओ। और उस वक्त में मेरी बेटी पर आफताब इकबाल ने 20 लाख रुपए लगाए, मेरी बेटी बच गई, मेरी बेटी माजूर होने से बच गई, उसको नई जिंदगी मिली। अब देखिए, जहां पर आफताब इकबाल के बारे में हर बंदा उल्टी सीधी बातें कर रहा है, बुराइयां कर रहा है, वहीं आफताब इकबाल जो है कैसे सामने आते हैं, उनकी हकीकत सामने आती है। और मैंने आपको पहले बताया कि वो लोग जो 15-15, 20-20 हज़ार या 50 हज़ार रुपए पे शो करते थे, आज उनके पास फॉर्चूनर हैं, आज उनके पास बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं। और इनका ये पूरा रवैया सब कुछ चेंज करने वाला बंदा जो है वो आफताब इकबाल है। उनका रवैया जो गुस्सा ये वो सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन जब इन लोगों ने उनको ज्वाइन किया था तो वो उनकी आदत को जानते हुए कर रहे थे कि हमारा कैरियर बन जाएगा। लेकिन जब कैरियर बन गया तो उसके बाद आफताब इकबाल का गुस्सा भी बुरा लगने लग गया और उनकी जुबान भी बुरी लगने लगी। खैर, बहरहाल ये इफ्तिहार ठाकुर ने जुनेद सलीम के प्रोग्राम में बात किया और यकीन जाने मुझे यूं लगा है कि वाकई उस बंदे की कामयाबी के पीछे यही सभी राज हैं कि उसने ऐसे लोगों को उठा उठा कर बनाया कि जिन लोगों के कैरियर समझ ले खत्म हो चुके थे। बहरहाल, आप आफताब इकबाल साहब को किस तरह से देखते हैं इफ्तिहार ठाकुर के इस बयान से, तब आपके जहन में उनके बारे में क्या आता है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं फैसलाबाद में एक ऐसे वाकये के बारे में जिसे देखने के बाद मैं कहता हूं कि हम बतौर कौमी चोर हैं। भाई, ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी। यार, तब तक मैं समझता था, जब तक मैं बाकी वीडियोस देखता था, मैं कहता था हमारे हुक्मरान चोर हैं, हुक्मरान ये कर गए वो कर गए, इदारे ये कर गए वो कर गए। लेकिन फैसलाबाद में एक ड्राइवर से जिसके ट्रक पर कोक और सेवन अप और नेक्स्ट कोला जीस ये सारी बोतलें, पूरा ट्रक भरा हुआ था, और उससे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, वो डर के अपनी गाड़ी रोड पर छोड़कर भाग जाता है, और देखने वाले जो अवाम थी उन्होंने उस ट्रक को 8 मिनट के अंदर खाली कर दिया। वहां पर मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, कुछ चीजें आपको दिखाता हूं कि देखें, ये वो लोग हैं जो एक आम चोर को पकड़ते हैं ना, उसको मार मार टांगे घुसे मुक्के मार मार के उसको कत्ल कर देते हैं। लेकिन खुद क्या करें, आप ये औरतें देखें, आप ये मर्द देखें, ये लड़कियां देखें, लोग सवाब का काम समझकर बोतलें उठाए जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ये पूछना भी गवारा नहीं है कि भाई किसका माल है, क्यों उठा रहे हैं लोग। और बंदा वहां पर खड़ा होकर वीडियो बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। मैं हैरान हूं, अगर वो शख्स वीडियो ना बनाता तो किसी को कैसे पता चलता कि हम बतौर कौम ही यार चोर है। किसी को समझ आ रही है ये बात? ये जितने लोग बोतलें उठा उठा कर ले जा रहे हैं, एक बेटी जो है वहां पर दिखाया काले कपड़ों में दौड़ते थी, एक बेटी जो है वो बोतलें उठा के लाई जा रही है, और माँ जो है बोतलों को यूं करके ना, दोनों हाथ यूं करके ना कवर करी जा रही है, साड़ियां साड़ियां। यार, आप लोगों ने इतना भी नहीं सोचा समझा कि ये माल किसका है, पूछना भी गवारा नहीं किया। यहां पर एक बात आप लोगों को अब गौर फिक्र वाली करने वाली है कि जो बंदा मोबाइल छीन कर ले जाता है उसको तो आप मार देते हैं, अब जिन लोगों ने ये बोतलें उठाई, चोरी किया माल, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे और आप लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? मैं तो कहता हूं यार, बेशर्म लोग हैं आप लोग, वहां से आते जा रहे हैं अपने कंधों पर, बाजुओं पर लादे जा रहे हैं, डाले लादे जा रहे हैं, लेके जाते जा रहे हैं, पूछना भी गवारा नहीं है। ये समझ भी आप लोगों को, यार आप लोगों की ये तरबियत ही नहीं हुई कि ये चोरी चोरी हराम है। कितने सोबर लोग, एक बंदा तो मैंने देखा पैंट शर्ट पहनी, बड़ा सोबर आया और ऐसे उठा के लेके जा रहा है यार, जैसे अपना माल है। कोई थोड़ी बहुत शर्म हया इस कौम में कब आएगी यार? कब आप लोग अपने बच्चों की तरबियत करेंगे और उनको बताएंगे? खैर, इनमें तो बच्चा था ही कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे तो थे ही कोई नहीं, सारे समझदार थे, ये अपने बच्चों को कैसे बताएंगे चोरी नहीं करनी चाहिए? ये पूरी दुनिया ने यह तमाशा देखा है और इस तमाशे को देखकर फख्र कर रहे होंगे, ओए यार मेरी वीडियो आ गई। लानत है यार आप लोगों पर, किसी का माल उठाकर चोरी करके चले जाते हैं और बाद में घर जाकर अपने बच्चों को वो माल पिलाते हैं और कहते हैं हुक्मरान चोर है। पहले अपने गरेबान में झांके, खुद को देखें, खुद को समझें कि आप लोग क्या हैं। इस वाकये से ये बात साबित होती है कि आप लोग अपनी बहनों का जो हक है वो भी जब्त करते हैं। इस बात से ये वाजह होता है कि रोड पर मिली हुई चीज के बारे में आप कभी उठा के नहीं पूछेंगे कि भाई ये किसी की है कि नहीं। यूरोप, कनाडा, अमेरिका, किसी भी जगह आप चले जाएं,
वहाँ के जो हाईवेज है ना, वहाँ पर जो लोग साइडों पे फसलें उगाते हैं ना, उन्होंने सिर्फ एक कंटेनर में चीज़ें रख दी होती हैं और लिखा होता है कि ये वाला पैकेट इतने का है, ये वाला पैकेट इतने का है, आप चीज़ ले जाएं और पैसे जो हैं इस गले में डाल दें। वो लोग जहाँ पर कोई बंदा ना बंदे की ज़ात होती है, वहाँ से वो बंदा अपनी मर्जी की चीज़ उठाता और पैसे डाल देता है, वो मुसलमान नहीं होते, कलमा नहीं पढ़ते। लेकिन तरक्की देखें कितनी कर गए। आप जिन लोगों को नफरत की निगाह से देखते हैं, काफिर कहते हैं, वो लोग ये काम नहीं करते, लेकिन आप लोग देखें क्या कर रहे हैं। एक बंदे का पता है कि यार ये किसी का ट्रक एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर ये माल छोड़कर भाग गया, हमारा हक नहीं बनता, लेकिन आपने 8 मिनट में पूरा ट्रक खाली कर दिया। बहरहाल आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, यकीनन सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल है। आप लोग इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा और सोचिएगा कि आज के बाद अगर आप रोड पर किसी मोबाइल चोर को पकड़ेंगे ना, किसी साइकिल चोर को पकड़ेंगे, रोटी चोर को पकड़ेंगे, किसी भी ऐसे बंदे को पकड़ेंगे, सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांकेंगे। क्या आपने जिंदगी में कभी ऐसा काम तो नहीं किया? क्या आपने कभी अपने बाप बहन भाई का हक तो नहीं मारा? आपने किसी की चीज मिली जब्त तो नहीं कर ली? ये सारी बातें सोचने के बाद आपने उस पर हाथ उठाना है। अगर आपने ऐसा जिंदगी में किया हुआ तो आपने हाथ उठाया तो आप पर हराम है भाई, क्योंकि आप खुद चोर हैं, और खुद चोर होते हुए आप किसी और चोर को मारें, ये कहाँ का इंसाफ है।